Sir, good morning. Good morning, you sir, are. Good morning. Morning. Good morning. Sir, good morning. Sir, good morning. Sir, good morning. Okay, beta, let's start the class. चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है तुम्हें, लेटेस्ट प्राइस 6.1 क्वेश्चन 5 दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. यस सर. ओके, यस सर. डिस्कस टुडे, प्लीज लुक एट दिस एक्सरसाइज 6.1 और लेटेस्ट प्राइस 6.1. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. यस, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4. ओके, यस सर. ये जा चुके हैं. आज हमें इस क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है. इनमें राइट, ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट. बेटा हमें जो ट्रू स्टेटमेंट होंगे उसके लिए ट्रू राइट करना है, जो स्टेटमेंट फॉल्स होंगे उनके लिए फॉल्स राइट करना है. चलिए ठीक है. स्टेटमेंट नंबर वन यानी एक गिवन है यहाँ पे. ऑल इवेंट numbers are multiple of 2. All even numbers are multiple of 2. True. बेटा आप जानते हो कि जिसमें भी इवन नंबर होते हो, चाहे कोई भी इवन नंबर हो, लेट से आप एक्सेप्ट देन 2, यानी 2 को छोड़कर कोई भी नंबर इवन हो, 4, 6, 8, 10, 12, 100, 198, 200, जो भी हो, 1000, 10,000, ये सारे 2 के मल्टीपल होते हैं. बिकॉज 2 के टेबल में या 2 का टेबल रीड करते जाए तो ये सारे डिजिट उसमें आएंगे. ठीक है, yes. टू का मल्टीपल फाइंड करते yes, हैं, जितने भी इवेंट नंबर होते हैं वो सब टू के टेबल्स या टू के मल्टीपल्स में आएंगे, जितने भी इवेंट नंबर होते. तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, ऑल इवेंट नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ टू. यस, ट्रू. दिस इज ट्रू. ये क्या है? ट्रू है. स्टेटमेंट ट्रू है. ट्रू. है गौरव, स्टेटमेंट दिया ऑल ऑड नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, beta. No, sir. जितने odd numbers होते हैं वो multiple नहीं होते 3 के. आपने कह दिया सर, 1 भी तो odd है. 1 odd है ना? 1 odd number नहीं होता क्या? 1 odd है. But that is not multiple of 3. ये 3 का multiple नहीं है 3. और अभी बहुत सारे ऐसे number हैं. आप कहते हो सर, 5 भी तो odd है. 5 भी तो multiple नहीं है 3 का. Yes, sir. आप कहते हो सर, 7 भी तो ऑड है, ये भी तो मल्टीपल नहीं है 3 का. आप कहते हो 11 भी नहीं है. आप कहते हो 13, ये भी नहीं है. आप कहते हो 17, ये भी नहीं है. सारे ऑड नंबर्स हैं, बट दे आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3. ये जितने भी ऑड नंबर्स हैं ये मल्टीपल नहीं है 3 के. मल्टीपल्स ऑफ? यस सर. नॉट 3. दे आर नॉट, दे ऑल आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 3. ओके. Yes, sir. Yes, sir. ये false statement है. ये कह रहे थे all odd numbers are multiple of 3. ये गलत बात. ये false statement, तो हम इसको false ही लिखेंगे. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, point number 3. बेटा सी की बात करते हैं. इन्होंने इसमें स्टेटमेंट गिवन है जो 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 20. 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 20. बेटा इसमें इन्होंने आस्क किया है, 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 20.
20 के आस मल्टीपल की बात yes, तो क्या होगा? यस सर नो सर सर फॉल्स सर फॉल्स सर फॉल्स ये भी फॉल्स सर मेरी बात सुनिए प्लीज लिसन टू मी एवरीवन आपको करना क्या देखो जैसे ही हमें क्या पता है इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उस अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो ये फॉल्स है कैसे इन्होंने कहा 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 20 बेटा 20 के मल्टीपल की बात करते हो तो क्या होगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 20 आपसे अगर ऐसे ही कोई इन जनरल पूछ लिया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 20 तो आप क्या बताएंगे एवरीवन स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 20 क्या होगा सबसे छोटी मल्टीपल क्या होगी 20 की फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट यस बेटा 20 इज द करेक्ट आंसर बेटा आप जानते हो किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है स्मॉलेस्ट मल्टीपल किसी नंबर का वो नंबर इटसेल्फ होता है ना अभिनय पांडे आप क्या yes, सर Yes, sir. Huh? तो कोई नहीं बात बेटा आप शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे ओके मैं ये कह रहे हैं कि हमने आपको बताया कि किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है तो 20 का सबसे जो छोटा मल्टीपल होगा बेटा वो क्या होगा 20 ही होगा 20 का था 5 अच्छा 5 क्या है अगर दूसरे शब्दों में पूछे तो इस 20 का 5 क्या है मल्टीपल नहीं है तो 5 क्या है दूसरे शब्दों में अगर दूसरा कुछ बताना होता तो 5 को हम क्या बोलते हैं 5 जा अगर स्टेटमेंट को ट्रू करना होता है तो यहाँ से किस चीज का रिप्लाई करेंगे स्टेटमेंट को अगर ट्रू बनाना होता है ये तो फॉल्स है स्टेटमेंट स्टेटमेंट कैसा है फॉल्स फॉल्स प्लस बट अगर आपसे कोई पूछता है बेटा स्टेटमेंट को फॉल्स भले ही है इसको ट्रू करना है तो क्या करोगे आप स्टेटमेंट को ट्रू करना होता तो क्या करते इसमें कैसे ऐड करते फाइव इज अ इसको रिप्लेस कर देते इस मल्टीपल को रिप्लेस करके क्या राइट करते तो ट्रू हो जाता फैक्टर क्या राइट करते फैक्टर फैक्टर यस बेटा फाइव कट कर सकता है 20 को 5 कट कर सकता है तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20 बट मल्टीपल की बात करता है तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर डी बेटा इन्होंने पॉइंट नंबर डी आज किया है All multiples of 7 are odd numbers. All false. Multiples. False. All multiples of 7 are odd numbers. Is it true or false? True or false? All multiples of 7 are odd numbers. Is it true or false? False. अब बेटा आपसे अगर ये पूछा जाता है कि क्यों फॉल्स है तो क्या बताते हैं आप कैसे फॉल्स बता दिया आपने इसको आपको अगर आपको आंसर को वेरीफाई करना होता आपने फॉल्स को बताया करेक्ट है बट कैसे हुआ आपको पता है कैसे हुआ इन्होंने आज क्या किया था ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 और ऑड नंबर 7 के जितने मल्टीपल होते हैं सब ऑड होते हैं ये सही है नहीं नो सर
No, no sir. यहाँ पे हमने देखा एक और एक इवेंट एक और एक इवेंट और इवेंट और इवेंट और इवेंट इस तरह से इसके मल्टीपल ऑड इवन क्या किया ये ऑड है आपका और ये इवेंट है ऑड इवेंट ऑड इवेंट ऑड इवेंट ऐसे चलते रहेंगे बट इन्होंने स्टेटमेंट में स्टेट किया था ऑल मल्टीपल्स ऑफ सेवन आर ऑड नंबर के पास है ओके ऑल मल्टीपल से ऑड नहीं होते हैं Yes, sir. Yes, sir. No. क्वेश्चन नंबर फाइव सॉरी फाइव नहीं क्वेश्चन नंबर ई पॉइंट नंबर ई है ना इसमें नॉट ऑन योर पेज पॉइंट नंबर ई यस सर वन इज अ मल्टीपल ऑफ अपिंग नंबर इन्होंने आस्क किया है पॉइंट नंबर ई की बात किया है वन इज अ मल्टीपल ऑफ Every number. Is it true or false? By true or false? One is a multiple of every number. One सारे number का multiple होता है? No sir. No sir, false. It is false. False sir. False. आपको पता होना चाहिए सुने मेरी बात वन जो होता है बेटा केवल वन को छोड़कर किसी नंबर का मल्टीपल ही नहीं होता वो आप टू से बात कर लो टू की तो टू का फर्स्ट मल्टीपल टू होता है थ्री का फर्स्ट मल्टीपल थ्री होता है फोर का फर्स्ट मल्टीपल फोर होता है ऐसे किसी भी नंबर की बात कर लो तो उसका फर्स्ट मल्टीपल वो नंबर इटसेल्फ होता है तो वन कहां से आ जाएगा वन सारे नंबर का मल्टीपल नहीं होता वन केवल वन का ही मल्टीपल होता है किसका होता है वन का वन का मल्टीपल वन ही होता है पर ये इन्होंने कहा वन इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट ये गलत बात है अगर यहाँ पे इसको ट्रू करना होता तो क्या करते हैं इसका जस्ट अपोजिट क्या करना होता है हमें ट्रू करना होता है ये फॉल्स हो गया ठीक है ये फॉल्स स्टेटमेंट है अगर ट्रू करना होता तो क्या राइट करते हैं यहाँ पे One is a factor of every number. Yes, beta. One is a factor of every number. One सारे नंबर का फैक्टर होता है लेकिन मल्टीपल नहीं होता यहाँ पे अगर ऐसा राइट किया जाता वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर होता ये क्या राइट करते हैं इसको ट्रू ये स्टेटमेंट का रूल है ट्रू हो जाता है वन इज अ फैक्टर ऑफ अ नंबर उधर पापा डू फॉर्मूला फ्रेंड्स के यस सर चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं पॉइंट नंबर एफ द नंबर्स 4 8 12 16 एंड 20 आर मल्टीपल्स ऑफ 8 बेटा एट के मल्टीपल हैं ये फोर एट फॉल्स 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 आर द मल्टीपल्स ऑफ एट नो फॉल्स है ये बिकॉज ये मल्टीपल ऑफ फोर है मल्टीपल ऑफ फोर है फोर का टेबल फोर ये मल्टीपल ऑफ एट बता रहे हैं तो फॉल्स हो गया ओके दिस इज स्टेटमेंट इज फॉल्स यस सर नो पॉइंट नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात आती है इफ 126 अ मल्टीपल ऑफ 6 गिव रीजंस फॉर योर आंसर ये मैं बता रहा हूं कैसे करते हैं
तूने आज किया इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो स्टेटमेंट क्या है इस 126 अ मल्टीपल ऑफ 6 Give reason for your answer and give reason for your answer. Ready, beta? इसमें चेक करना आपको ये क्या 126 का मल्टीपल है या नहीं है बेटा कभी भी ऐसे जो कंडीशन आए किसी नंबर को दे दिया जाए ऐसे जैसे यहाँ पे दिया 126 क्या 6 का मल्टीपल है कि नहीं है ये जानने के लिए क्या करना करेंगे आप 6 से इसको डिवाइड सर आपकी वॉइस कट कट कर आ रही है सर आपकी वॉइस कट कट कर आ रही है सर आपकी वॉइस प्रॉपरली आ रही है सर आपकी वॉइस कट कट कर आ रही है इसमें इन्होंने देखिए बेटा इसकी बात क्या है इज 126 जो मल्टीपल ऑफ 6 गिव रीजंस फॉर योर आंसर मैंने कहा किसी भी नंबर को ऐसे इन जनरल अगर आस्क किया गया क्या कोई नंबर किसी दिए गए नंबर का मल्टीपल है कि नहीं है ये जानने के लिए हम उस नंबर से दिए मल्टीपल को डिवाइड करके चेक कर लेंगे अगर वो डिवाइड करता है उस मल्टीपल को एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो वो उसका मल्टीपल होगा नहीं तो नहीं कहने के मतलब नहीं जैसे 126 है यहाँ पे आप क्या करोगे ये हमें चेक करना है क्या 126 6 का मल्टीपल है कि नहीं इसको जानने के लिए हम 6 से इसको डिवाइड कर देंगे For this, we have to divide. One 26 by 6. यानी 126 को 6 से डिवाइड करके चेक करेंगे सब देखते हैं क्या आता है 6 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 टाइम जाएंगे 6 2 12 देन अगेन कैंसिल हो जाएगा माइनस करने पे 2 - 2 कैंसिल 1 - 1 कैंसिल 6 कॉपी करेंगे नेक्स्ट डिजिट यहाँ से 1 टाइम जाएंगे 6 1 जा यहाँ से माइनस हो जाएगा ये भी कैंसिल यानी एग्जैक्ट डिवाइड हो गया ना 126 6 से एग्जैक्टली डिवाइड डिविजिबल है सो यस सर यस यस सर उन्होंने कहा था गिव रीजन तो रीजन यही है यहाँ पे आंसर लिखेंगे रीजन क्या लिखेंगे 126 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 तो 126 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 ठीक है तो 126 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 बस मैंने ऐसे रीजन पूछा था तो यहाँ पे आपने देखा कि 126 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 तो 126 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 ओके पूरी तरह से इसका मल्टीपल है ये ऐसे ही आप देख कभी क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं बेटा तो आप डायरेक्ट उसके वैल्यू से उस मल्टीपल को डिवाइड कर देना डिवाइड करने से अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो यस आंसर क्या होगा यस दैट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर अगर नहीं डिवाइड होता तो मल्टीपल नहीं होगा ठीक है यस सर यस सर एमएस क्वेश्चन नंबर 7 में भी करना बेटा प्लीज लुक एट दिस आपको देख कर बताना है आप इसको देखिए क्या इज 78 अ मल्टीपल ऑफ 3 गिव रीजंस फॉर योर आंसर सेम एज क्वेश्चन है यही क्वेश्चन ही है केवल डिजिट चेंज हो गया करेक्ट यस सर यस सर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 गिव रीजंस फॉर योर आंसर
और दिस बेटा ये क्वेश्चन था, स्टेटमेंट था 7 नंबर का, इस 78 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, गिव रिजल्ट फॉर योर आंसर. यस सर. इज 78 अ मल्टीपल ऑफ 3, गिव रिजल्ट फॉर योर. यस सर. सेम एज यहां पे ओनली डिजिट डिफर कर रहे हैं, डिजिट डिफर कर रहे हैं. यस. बेटा इसमें आपका जो स्टेटमेंट है क्या था, ये 78 अ मल्टीपल ऑफ 3, गिव रिजल्ट फॉर योर आंसर. ठीक है, तो इसके लिए आप करोगे क्या, देखो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, 6 से 126 को डिवाइड करके चेक किया. सेम एज आप क्या करोगे, 3 से आप 78 को डिवाइड कर लीजिए. इफ 3 डिवाइड टू 78 देन 78 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इफ नॉट देन नॉट. ओके, समझ आ रही बात नहीं आपको, क्या करना है 78 को 3 से डिवाइड करके चेक करना है. अगर 78 को 3 डिवाइड करता है तो वो उसका मल्टीपल है, 78 3 का मल्टीपल है. नहीं करता है मतलब नहीं है, नहीं चेक कर लीजिए क्या 78 को 3 डिवाइड कर पाता है. यस सर. यस सर. डिवाइड करने से क्या आएगा, 26 आएगा. 26 करेक्ट है, सही है. आपने डिवाइड किया होगा 78 को 3 से, तो यहाँ पे डिवाइड करने पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है. तो हम कह सकते हैं सेम एज राइट करना, यहाँ पे ऐसे ही राइट कर लेना. तो यहाँ पे राइट करेंगे 78 करेंगे 1 आएगा, यहाँ से 8 कॉपी करते हैं 18 हो जाएगा, 3 6 18 ये भी. नाउ बेटा इसमें अब बात आती है पॉइंट नंबर 7, हमने डिस्कस किया अभी आपसे. ठीक है, यस सर. गिव रीजन फॉर योर आंसर. यस सर. नाउ वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 6.1. ओके, हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर लिया है. एनी डाउट इन दिस एक्सरसाइज बेटा, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर. नो सर. नो सर. No sir. Okay. Now next point is common multiple. Kya hai beta? Common multiple. Common multiples. Sir, common multiple. इसको find करने के लिए बेटा क्या करेंगे, देखिए जल्दी से. उन्होंने आज किया है स्टेटमेंट जो गिवन है, यहाँ पे रीड करते हैं देन अंडरस्टूड करते हैं. ओके, यस सर. यस सर. उनके पास बुक है ना? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. देन उन्होंने कहा है Rajan and the other residents of the building start placing rose and jasmine pots on the staircase. They find out the sum is the bill have the pots of both the plants. But he suggests keeping the pot of money plant and on the these steps instead of rose and jasmine plants. Look at the picture of the numbered staircase. यहाँ पे देखिए राजन और उसके जो और पड़ोसी हैं साथ, यानी दूसरी बिल्डिंग पे रहते हैं शायद, हमने इस स्टेटमेंट को आगे भी पढ़ा था ना. यस सर. यस सर. यस सर. सेकंड फ्लोर पे रहते थे ना ये बिल्डिंग के, राजन और उसका परिवार बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे रहते हैं और वहाँ पे जाने के लिए सीढ़ियों का यूज करते हैं. तो इन्होंने क्या किया है, सीढ़ियों पर अलग अलग फूलों के गमले रख दिए हैं इसको अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगे. इसके लिए क्या किया उन्होंने, यहाँ पे इन्होंने
जो स्टेटमेंट दिया बेटा कैन कलर द स्टेप विथ ओनली रोज पॉट मल्टीपल ऑफ सी ग्रीन. बेटा उन पार्ट को कलर कर देना जो रोज प्लांट है वो ग्रीन सी के मल्टीपल है और उनको ग्रीन कलर से कलर करना है यहाँ पे. तो थ्री के मल्टीपल क्या होंगे? फर्स्ट मल्टीपल थ्री होगा, सेकंड सिक्स, थर्ड नाइन, फोर्थ 9, फोर्थ 12, फाइव 15. सब कलर करना है 15, 18, ग्रीन कलर से 18. यस बेटा, राइट द स्टेप नंबर इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द सर्कल गिवन बिलो. बेटा यहाँ पे सर्कल गिवन है ना आपके बुक में, ये कलर्ड सर्कल गिवन है ना. यस सर, यस सर, 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 इस सर्कल्स में आप सॉरी यहाँ ये सर्कल्स गिवन है ना ग्रीन, सॉरी ग्रीन और क्या है येलो पार्ट है, कॉमन पार्ट है येलो, येलो एंड रेड, येलो एंड रेड. इन स्टेयर केस पे जो यहाँ पे सीढ़ियों पे स्टेप्स बने ठीक है, इन स्टेप्स पे क्या रखे गए, गमले रखे गए हैं, इनपे नंबरिंग की गई 1, 2, 30 स्टेयर्स है ना, 30 स्टेप्स है ना उस स्टेयर्स में. यस सर, यस सर. इसमें क्या करना है आपको जो थ्री मल्टीपल ऑफ थ्री होंगे वो ग्रीन कलर से कर देना, यानी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 इनको ग्रीन कलर से करना ना. यस सर. कलर द स्टेप विद ओनली जैस्मिन पॉट मल्टीपल ऑफ फोर. ये फोर मल्टीपल ऑफ फोर है बेटे, जैस्मिन पॉट जो रखे गए वो मल्टीपल ऑफ फोर प्लेसेस पे हैं. मल्टीपल ऑफ फोर होगा, फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा 4, सेकेंड 8, थर्ड 12, थर्ड 12 और फोर्थ 16, 5, 20 और क्या उसमें 24, 28, 32, 36, 40. कॉमन भी आया होगा, आपने देखा होगा मल्टीपल ऑफ थ्री और मल्टीपल ऑफ फोर जब फाइंड करते हैं तो कुछ ऐसे नंबर हैं जो दोनों पे आ जा रहे हैं. जैसे आपने देखा होगा 12, बेटा 12 दोनों पे आ जा रहा है ना, मल्टीपल भी आता है मल्टीपल ऑफ फोर भी आता है. जब ऐसे कोई पार्ट आएगा जहाँ कॉमन है उसको मत कलर करना, उसको ऐसे ग्रीन थोड़ा सा डॉट रख के और रेड डॉट लगा के छोड़ देना, पहले डॉट लगा लेना, पहले क्या करना कलर मत करना, ग्रीन रेड कलर के डॉट क्या पुट करना आप बाद में क्या करेंगे. देखो थर्ड स्टेप को रीड करते हैं देन बताते हैं क्या करेंगे. कलर द स्टेप विथ मनी प्लांट येलो, राइट द स्टेप नंबर इन द येलो ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ द टू सर्कल. बेटा जो मनी प्लांट रखा गया वो कहाँ पे है, जहाँ पे रोज और रोज प्लांट और जैस्मिन प्लांट एक साथ आ जा रहे थे उनको हटाकर मनी प्लांट प्लेस करके रखा गया. उनको रोज और जैस्मिन प्लांट एक साथ जहाँ पे आ जा रहे थे उनको वहां से रिप्लेस करके मनी प्लांट पुट किया गया है. अब आपको करना क्या है मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या करेंगे. सबसे पहले मल्टीपल ऑफ थ्री को ग्रीन डॉट से केवल डॉटेड करेंगे, कलर मत करना पहले. तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 सारे ऐसे कर लेना, देन रेड से क्या करना, रेड डॉट से आपको जो मल्टीपल ऑफ फोर होंगे उनको डॉट कर लेना, कलर मत करना पहले. डॉट करने का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे जो स्टेयर्स बने हैं वहां पे ऐसे डॉट पॉइंट पुट करना, पूरे कलर कर लेना. जैसे ये आपके स्टेयर्स है तो यहाँ से डॉट कर देना ग्रीन से, मान लीजिए ग्रीन कलर का आपका डॉट है, अब यहाँ पे रेड जा रहा है तो रेड यहाँ पे कर देना, ऐसे डॉट लगा देना, बाद में कलर करना. लेकिन आप देखोगे कहीं पे ऐसा भी आएगा किसी नंबर पे कि दोनों डॉट एक साथ आएंगे, ग्रीन और रेड डॉट दोनों आ जाएंगे. किसी नंबर पे ऐसा भी आएगा जैसे 12 पे ग्रीन और रेड डॉट दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो उसको ना ग्रीन से कलर करेंगे ना रेड से, इसको येलो से करेंगे. कौन से कलर से करेंगे, येलो, येलो कलर से. यहाँ पे डॉट ग्रीन डॉट और रेड डॉट ये स्टेयर्स हैं इसके. बेटा इसमें कह रहे ग्रीन है मान लीजिए, ये आपका रेड है,
लेकिन कहीं पे ग्रीन और रेड दोनों आ जा रहा है, ये ग्रीन और रेड दोनों आ जा रहे हैं, तो इसको येलो से करेंगे, किससे करेंगे, येलो 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 से, और बाकी ग्रीन होगा तो ग्रीन से, देन आफ्टर अब क्या करोगे, ग्रीन को ग्रीन से कर देंगे, रेड को रेड से कर देंगे, और जहां पे दोनों डॉट्स आएंगे ग्रीन और रेड उनको हटा के येलो कलर से कर देना उनको, ठीक है, समझ आ रहा है ना? यस सर और बेटा जो नंबर करेंगे ग्रीन वाले ग्रीन सर्कल में राइट करना सर, क्या इसका लगता है बेटा, तो कहाँ गया था इसको, हाँ मैंने मर्जीस करी थी, कौन है जी सर, अंचित को अंचित सर अंचित है सर, हम नहीं है यहाँ पे, देखिए इन्होंने कहा ग्रीन आपसे बेटा सर्कल्स तो गिवन है यहाँ पे, इन सर्कल्स में क्या राइट करोगे, जो ग्रीन कलर के नंबर्स है उनको ग्रीन वाले सर्कल में पुट करेंगे, जो रेड कलर के सर्कल्स रेड कलर नंबर्स है उनको रेड वाले सर्कल्स में पुट करेंगे, और जो येलो कलर्ड वाले हैं उनको येलो कलर्ड वाले स्पेस में फिल करेंगे, ओके यस सर बेटा, कह रहे द नंबर रिटन इन द येलो पार्ट बिलोंग टू बोथ द सर्कल, दे आर मल्टीपल ऑफ 3 and 4 बोथ, बेटा कह रहे जो येलो पार्ट में जो नंबर राइट किए गए होंगे वो क्या होंगे, क्या होंगे, 3 and 4 के दोनों के मल्टीपल होते हैं येलो वाले, है ना, येलो में जो राइट करोगे वो क्या होंगे, 3 and 4 फोर्थ नंबर के मल्टीपल होंगे, तो मल्टीपल इन द येलो पार्ट आर द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4, बेटा बात करते हैं कि जो येलो पार्ट में आपने रेड किया वो क्या होते हैं, 3 and 4 के कॉमन मल्टीपल होते हैं, 3 and 4 के कॉमन मल्टीपल होंगे, यहाँ पे इसको करेंगे, इन्होंने क्वेश्चन आस्क किया है व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप टू हैव मनी प्लांट गो पार्ट, बेटा कौन सा फर्स्ट स्टेप होगा जहाँ पे मनी प्लांट रखा गया है, तो जिसको वो पहला स्टेप जिसको येलो कलर से किया होगा आपने उस स्टेप का नेम राइट करना है, तो यहाँ पे 12 आएगा आंसर, क्या आएगा 12 इसमें करें हो चीज का सेकेंड स्टेप टू हैव मनी प्लांट पॉट 24 नेक्स्ट क्या होगा 24 अब मेरी बात सुनिए, आज फाइनली भी सोनी कर रहा है बेटा, अभी और भी क्लासेस हैं, आज के लिए इतना ही रहना बेटा, नेक्स्ट से और अभी आपके जो डाउट है वो नेक्स्ट से क्लियर किए जाएंगे, ओके Goodbye.